दोस्तों देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सरकार जल्दी नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है और एक बड़ा नियम बदल जाएगा। बात कुछ यूं है, मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में भी बताया था कि अब जल्द ही कोचिंग सेंटर विज्ञापन में छात्रों की मुफ्त तस्वीर नहीं लगा सकेंगे। सरकार इसको लेकर नया प्लान बना चुकी है और गाइडलाइन जारी करने जा रही है। आइए समझते हैं दोस्तों कि ये नियम लागू होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर, और ये नियम लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों इस मामले से जुड़े जानकारों का ये कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में शीर्ष 10 यानी टॉप 10 आने वाले जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं होती हैं उनकी तस्वीरों के विज्ञापन अक्सर सभी कोचिंग सेंटरों की ओर से लगभग सभी अखबारों में छपवा दिए जाते हैं। और इन विज्ञापनों में कोचिंग सेंटर ये दावा करते हैं कि ये जो टॉप करने वाले छात्र छात्राएं थे स्टूडेंट्स थे इन्होंने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है, ताकि समाज में दूसरे स्टूडेंट छात्र छात्राओं पर भी उसका प्रभाव पड़े और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। सिंपल मकसद यही होता है, राइट। लेकिन अब कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग संस्थानों का यह रवैया ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह बात की घोषणा की गई है कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है और इसी सप्ताह सितंबर में ही इस मामले में नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है सरकार की तरफ से। अब कोचिंग सेंटरों को अपने विज्ञापन में ये भी बताना होगा कि किसी विशेष छात्र ने उस संस्थान का कौन सा कोर्स चुना और उसकी अवधि क्या थी, कितने टाइम तक उनके यहाँ पर कोचिंग ली, और इतना ही नहीं स्टूडेंट से अनुमति लेना भी जरूरी होगा। अभी जब कोई छात्र किसी कोचिंग सेंटर में दाखिले के लिए पहुंचता है ना, तो कोचिंग संस्थान उसके साथ पहले से ही ये समझौता करार कर लेते हैं कि अगर उसकी अच्छी रैंकिंग आई तो वह उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब कोचिंग सेंटर को छात्र की अच्छी रैंक आने के बाद उससे दोबारा अनुमति लेनी होगी और ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वह कोचिंग सेंटर को अपनी तस्वीर का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करने के लिए इजाजत देता है या नहीं। अगर स्टूडेंट ने एग्रीमेंट दे दिया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट उन स्टूडेंट की तस्वीरों को काम में ले पाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं चाहता कि उनकी तस्वीर फ्री में काम में ले, फ्री में उनको प्रमोट करे, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी छात्र छात्रा की तस्वीर का इस्तेमाल फ्री में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वाकई में देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत ही अच्छा नियम है, इससे स्टूडेंट छात्र छात्राएं अपनी तस्वीरें इजाजत के अनुसार इस्तेमाल उपयोग में कर लेने देंगे, जिससे कि उनकी फोटो तस्वीरों का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा और उनके मन में किसी तरह का कोई डाउट शंका भी नहीं रहेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।